जब तक स्कूल में पढ़ा हूँ ना, तो मम्मा हमेशा ये कहते रहे हैं कि तेरे सर को शिकायत लगानी है, शिकायत लगानी है। आज सर घर पे आ ही गए हैं, आज लगा लो जोर लगाने लगा। असि बहुत तगड़े फैन इन्हों के, अपने सब फॉलो करते हैं, पूरी फैमिली फॉलो करते हैं, मम्मा छोड़ के मम्मा घट ही आते हैं, मम्मा का चैनल नहीं है, आप सच बोल रहे, ट्रू बोल रहे हो। तो दोस्तों अभी एक फंक्शन पे मैं जा रहा हूँ, और आप देख रहे होंगे मणि भाई इतने सुंदर लग रहे हैं, और साक्षी नाइट सूट में जा रही है शादी पे, ऐसा नहीं है, स्टाइल है यार, स्टाइल नहीं है, तू जा ही नहीं रही है। भाई हमने यार शादी पे जाना है, तैयार है ना? नहीं नहीं मुझे तैयार है ना आपकी। ये कमेंट करके बताइए, मुझे तैयार है कि नहीं। असल में आज एक दिन में दो फंक्शन है, मैं इधर जा रहा हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं जा रहे, सॉरी मैं पापा के साथ जा रहा हूँ। तो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा हम मिलते हैं फंक्शन पे। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਫੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਮਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਮਾ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਟਰੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 10 ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਟਰੂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਜੀ, ਬੰਬੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने सर से मिलवाऊँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मेरे गुरुजी हैं। तो ये हैं हमारे कमल सर और साथ में उनकी वाइफ। मैं जब तक स्कूल में पढ़ा हूँ ना, तो मम्मा हमेशा ये कहते रहे हैं कि तेरे सर को शिकायत लगानी है, शिकायत लगानी है। आज सर घर पे आ ही गए हैं, आज लगा लो जो मैं सर से पहली बार मिली हूँ आज, बट मुझे ये पता चला थोड़ी देर पहले, जहाँ मेरे मायके हैं वहाँ सर का घर है, तो सर की तारीफ मैंने मनी के मुंह से बहुत ज्यादा सुनी है, कि मनी कल से ही मुझे बोल रही है कि नहीं सर बहुत नाइस है, सर ने मुझे इतना ज्यादा बोला, इनवाइट किया इतना ज्यादा, वो कह रहे नहीं मैंने नहीं आना, आप लोग आओ हमारे घर, वो हमारा पेंडिंग रहा, हम आएंगे। लेकिन मैंने सर से आते ही ये सवाल पूछा, मैंने कहा सर जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना स्कूल में क्लास में, तो आपको मनी कैसे याद रह गए, कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे या बहुत ज्यादा वर्ड खुद लगा लिया। मैंने इसको ये साक्षी को बोला है कि मनी नोटोरियस तो नहीं था, हाँ। ये तो उसकी तारीफ है, बट वो पढ़ाई में कैसा था, तो तो ये जो सर ने ये वाला सीन किया ना, ये हम एडिट करने की कोशिश करेंगे, अपनी होना एडिट, ये सच्चाई है, ये मुझे पहले से पता है क्योंकि मैंने भी मनी के साथ स्टडी की हुई है। हाँ बिल्कुल, एक चीज है कि वो मुझे साक्षी ने पूछा कि वो कैसा था, वरना लायक था या इंटेलिजेंट था, वो चाहे दोनों नहीं था, बट स्टिल ही इज अ वेरी लविंग चाइल्ड फॉर। क्या बात है सर, क्या बात है, हमेशा मुझे प्यारा है, हमेशा बड़े थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरा इतना प्यार है, मनी इज वन ऑफ देम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये सी हम कोशिश करेंगे सर, चार बार लगाए। तो सर थोड़ा इंट्रोड्यूस कराओ, मेरी वाइफ विभा, ये भी गवर्नमेंट स्कूल में है, टीचर है ये भी। तो माय एल्डर डॉटर वो MCA कर रही है यूनिवर्सिटी में, यंगर डॉटर है त्रिशा, तो ये स्कूलिंग अभी कर रही है। तो अभी इनसे कुछ पूछना मैंने, पूछो। जैसे हम स्कूल से आते थे ना, हमारे मम्मी पापा तो चलो इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी एक इतना क्वेश्चन पुट कर देते थे ना कि आज क्या पढ़ाया, तो हमारा ना सांस रुक जाती थी कि ये क्या पूछ लिया, और जिनके घर पे दोनों टीचर हैं उन बच्चों का क्या हाल होता होगा। हाँ बताओ क्या हाल है। मेरी तो 10th तक ट्यूशन पापा के साथ ही होती थी, तो हमारा अपना सेंटर होता था, तो मैं 10th तक मेरी ट्यूशन घर पर ही होती थी, ट्यूशन जाना तो ऊपर ही जाना सिर्फ, तो 10th तक पूरा कंट्रोल, फुल कंट्रोल होता था कि हाँ ठीक है। पहले मेरी मिसेज जो थी वो जॉब नहीं करते थे, तो उन्होंने घर पे सेंटर खोला हुआ था, उनको जॉब मिलने के, जब जॉब मिल गई है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, फिर इन्होंने सेंटर वाइंड अप करके फिर हमने वो, पर वो बात मेंशन है कि शादी के बाद ही मिली जॉब, नहीं वो तो मैंने बताया है सेंटर था, तो इसका मतलब है कि पहले जॉब नहीं थी शादी के बाद। और आप? मेरा अभी ट्यूशन वगैरह बंद हो गया है, कोई अभी पापा कूल है।
नहीं सेल्फ स्टडी नहीं है मेरा, सेंटर नहीं है, बट फिर भी इसको मैं ही पढ़ा रहा हूँ। शिखा भी कॉलेज पर जाते थे तो उसको सहेली को बोलते थे मेरे डैडी है सुदेश लहरी, कहते झूठ घट मारो सुदेश लहरी तेरे डैडी है ही नहीं, कहते सच्चे मुच्चे मेरे फोटो आपके पास होने चाहिए। घर आई उस दिन पढ़ती है, उसका नाम है शिखा, सहेलियां इतनी फेर डेट है, वो कहती शिखा तो चार पढ़ती है यहाँ पे। A few moments later. तो अभी सर से मिल लिया है और उनकी पूरी फैमिली से मिलके बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज लाइफ से ज्यादा स्कूल की लाइफ ज्यादा याद आती है ना? मुझे भी आती है पर किसी से बनी बनाई नहीं है। तो चलो आप कमेंट करके बताना, अगर आप मेरा स्कूल भी देखना चाहते हो तो मैं स्कूल में भी विजिट करूंगा। पर ये बात है सर ने मुझे भी इनवाइट किया स्कूल में। हाँ, आपके स्कूल में। मैं बोला कि साक्षी को भी लेके आना साथ में। पक्का साक्षी, आप लेके जाओगे? लेके जाऊंगा, रास्ते में छोड़ दूंगा पवन नगर तेरे घर के बाहर, आगे अकेला ही जाऊंगा। तो चलो दोस्तों अभी हम थोड़ी सी रेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। A few moments later. अभी वीडियो दोबारा से स्टार्ट इसलिए की गई है, साक्षी कह रही थी सर कुछ गिफ्ट लेके आए थे, वो जरूर दिखाना अपनी वीडियो में। बहुत अच्छा गिफ्ट है ये, देखो इतना प्यारा है ये, तो हम पक्का या यहाँ पे या डाइनिंग टेबल पे रखेंगे है ना। ये बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। और मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है, कौन सी दिखाओ? ये मंच मैंने बहुत खाई है। कौन से मंच पे खाई वो बता पहले। मैंने अपने घर के मंच पे। अच्छा साक्षी वो बच्ची नहीं लग रही जो घर से गेस्ट जाते हैं है ना, तो बाद में सारे समोसे खा लेते हैं बच्चे। पूरी फैमिली को थैंक्स, बहुत मजा आया आपसे मिलके, इतना ज्यादा हमने एंजॉय किया, इतनी सारी बातें की, आज तो मनी काबू आए हुए थे हमारे, क्योंकि हम मनी को कुछ भी बोल सकते थे, आज मनी के टीचर आए थे। सर ने मेरे को इतने क्वेश्चन पुट किए, मुझे ऐसे पूरा वो स्कूल टाइम याद आ गया, मुझे लगा मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, अगर सवाल का जवाब ना दिया तो भी पनिशमेंट होगी। टीचर थे भी इंग्लिश के। हाँ। और फिर आप, और मैंने गलती से साक्षी को कुछ पूछ रहा था, किसी का नाम सर्च करना था, तो मैंने बोला साक्षी उसका नाम की स्पेलिंग क्या होती है, सर कहते हैं शर्म कर मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मेरी बेइज्जती करवा रहा है। मैंने कहा नहीं सर मुझे स्पेलिंग आते हैं, मैं इसकी स्पेलिंग चेक करने हैं। हाँ, इसकी सर की भी परीक्षा होनी चाहिए ना। मेरे मैम थे। अच्छा तो साक्षी अभी मैं सर को एक मैसेज कर दूं, करना चाहिए है ना, मेरी तरफ से करो। बिल्कुल नहीं, मैं करता हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग सर। कमिंग के स्पेलिंग क्या होते हैं? वही होते हैं वही, इसको आप ना समझो। नहीं नहीं सर मैं मजाक कर रहा हूँ, COMING। ये जी बहुत जरूरी है। तो चलो दोस्तों ये ब्लॉग अब यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरा स्कूल भी देखना चाहते होंगे तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और देख ले साक्षी, पढ़ने की उम्र में हम स्कूल जाने से डरते हैं और कमाने की उम्र में हम स्कूल जाने के लिए तरसते हैं। क्या बात है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगा, स्कूल में पढ़ाई करनी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मुश्किल है नींद को कंट्रोल करना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।